नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ में इसी कड़ी में शालीमार गार्डन में वार्ड नंबर 37 से सरदार सिंह भाटी जी हैं, यहाँ के पार्षद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल का कार्यकाल धीरे धीरे बीत रहा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा और वो लोगों के लिए किस तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं। सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आप धीरे धीरे लगभग 5 साल का कार्यकाल बीत रहा है, तो आपने 5 साल में ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिससे जनता फिर से आपको भरोसे पर ले सके। धन्यवाद, स्वागत है आपका। मैं सरदार सिंह भाटी वार्ड नंबर 37 से पार्षद हूँ और मेरा कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन मैं इससे पहले भी यहीं से पार्षद हूँ। मैं चौथी बार लगातार निगम पार्षद यहीं से रहा हूँ, इसी क्षेत्र से। और शुरू में इसकी जो यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जल निकासी का कोई साधन नहीं था। हमारे इधर एक नाला पड़ता है, नाला बहुत बड़ा। जब मैं अब ये इस योजना में सबसे पहली बार चुनाव जीता था तो सबसे पहले 3.5 करोड़ का नाला स्टार्ट कराया, जिससे हमारे ये वार्ड 37, 10, 90, 82 इन वार्डों का पानी उस नाले में जाता है। बड़ा नाला है तो सबसे पहले उसका काम शुरू हुआ। जो पानी की यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो हल हो गई, जनता की एक ये डिमांड थी, इनके आधार पर ही मैं चुनाव जीता था। उसके बाद ये हमारे वार्ड से 80 फुटा रोड गुजरता है, जो बहुत बड़ा रोड है। 2.5 करोड़ की लागत से ये रोड बनवाया था, जो दिल्ली से यूपी की मेन एंट्री है। इसकी बहुत ज़्यादा और जर्जर स्थिति थी, आज बिल्कुल टॉप रोड है, बढ़िया चल रहा है। तो यही 2-3 मेन मुद्दे थे जिनके वजह से मैं चुनाव लड़ा था और जीता भी था, और वो जनता की नज़र में उनमें सही भी। सर, कई बार आप पार्षद रह चुके हैं तो लोगों का भरोसा जो इतना मिल रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कई बार आप पार्षद रह चुके हैं, फिर कभी कभी होता ये है कि एक बार कोई चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है, फिर लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन आप लगातार जो है यहाँ के लोगों के भरोसे में बने हुए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यही है कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, घर घर जाते हैं। अब सुबह सुबह सब सोते रहते हैं, हम 6 बजे जाते हैं घर घर में, पूरे वार्ड में घूम के आ जाते हैं। हर लोगों से जो बाहर भी नहीं मिलते उनका गेट खटखटाते हैं, जाके नमस्ते कर लेते हैं, इनकी राम राम जी, हमारे लायक कोई सेवा हो बताओ। रात को 1-1, 2-2 बजे फ़ोन आ जाते हैं, किसी का कोई काम है तो हम उठ के रात को भी उनके साथ चले जाते हैं। पब्लिक से मतलब डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो लोग इस चीज़ से ज़्यादा राजी हैं। लंबे समय से आप BJP से जुड़े हुए हैं? 1987 से BJP से मैं जुड़ा हुआ। जी जी, तो इसके बाद कई बार आप पार्षद भी रहे हैं, क्या आपको कभी मतलब ये नहीं लगता है कि हमें कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए, विधानसभा का टिकट मिले, कुछ बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे जिस पर काम कर सकें? नहीं, लगता तो है, मन में हर किसी के में होती है। जो आदमी जिस काम में करता है, राजनीति हम करते हैं तो कि हम भी आगे बढ़ें, लेकिन ये तो एक पार्टी का नियम है, पार्टी अपने हिसाब से देखती है, पार्टी जो निर्णय लेती है वो सब मान्य होता है। अब ये साहिबाबाद जो विधानसभा है, जो ये हमारा क्षेत्र है, साहिबाबाद विधानसभा का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, मेरे हिसाब से पूरे एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है। इस विधानसभा में 11 लाख वोटर्स हैं, और 11 लाख वोटर्स में से जो हमारा विधायक यहाँ से जीता है, 2.5 लाख वोटों से अब की बार जीता है, जबकि आम विधानसभा 3.5-4 लाख, 5 लाख। तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, काफ़ी है। अब जब परिसीमन होगा, इसमें से कई सीट बनेंगी, देखो पार्टी फिर उसके बाद जो भी निर्णय ले, इच्छा तो हर कोई रखता ही है आगे जब राय नहीं। सर, एक चीज़ जैसे जानना चाहेंगे कि लंबे समय से आप राजनीति में हैं, लोगों के लिए आप निरंतर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से अपने, जिसे कहा जाता है, एकदम शीर्ष पर है, एकदम प्रचंड पे है, क्योंकि 2017 का लोकसभा 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, फिर 2022 में योगी सरकार बनी, और 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव लगातार प्रचंड बहुमत के साथ BJP जीत चुकी है। तो आगे क्या आपको लगता है कि 2024 का जो आने वाला चुनाव है, उसके लिए आप लोग किस तरह से प्लानिंग किए हैं, किस तरह से सारी चीज़ों को कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से जब भी बात हुई तो उनका बार बार ये कहना है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ पार्टी का पक्ष रखता है, पार्टी के लिए काम करता है। तो किस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए थी? लोकसभा चुनाव 2024 में भी हम पिछले से भी अच्छे बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि पार्टी ने हमारी ने काम करा, एक देश विदेश में भी मतलब हमारी पार्टी की एक पहचान बनी है, देश मजबूत हुआ है हर जगह। आज जो ये बाहर के देश थे, हमारे देश को एक ताकतवर देश मानने लगे। पहले ऐसा कहाँ होता था, पहले देखते थे कि जब जो कोई प्रधानमंत्री होता था, जब वो विदेश या कहीं जाता था तो उसकी एयरपोर्ट पे तलाशी ली जाती थी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, और हर चीज़ के अंदर
मतलब एक आम आदमी, एक आम नागरिक भी मतलब खुश है इस चीज़ से, बीजेपी से। आप अभी कल चुनाव हो जाए तो एक तरफ भाजपा आएगी, क्योंकि जनता के अंदर एक कि एक विकल्प ही भाजपा है। तो आप लोगों को पूरा उम्मीद है, आप लोग अपने कार्यशैली से सब सारी चीज़ें इस बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे? हाँ हाँ, पूर्ण बहुमत से, पिछले बार से भी ज़्यादा बहुमत आएगा। अच्छा, इस बार जो आने वाला जो आप लोगों का चुनाव है, पार्षद का, काउंसलर्स का जो चुनाव है, इसमें आपको क्या अपेक्षा है? पार्टी आपको जो जिम्मेदारी देगी उसको लेकर फिर से क्या लोगों का जनादेश आप ले पाएंगे, क्योंकि लंबे समय से आप पार्षद रह चुके हैं? ये तो पार्टी का निर्णय है, अगर पार्टी सिंबल टिकट देगी, सिंबल देगी, तो उस पर जीत तो निश्चित ही होगी। और गाजियाबाद में तो, गाजियाबाद तो बीजेपी का शुरू से ही गढ़ रहा है ये पूरा क्षेत्र, यहाँ तो बीजेपी की एक तरफा जीत होती है। ये नगर निगम 95 में नगर निगम बना था, 95 से आज तक ये बीजेपी के ही, बीजेपी का ही नगर निगम पर कब्जा रहा है, जो मेयर पार्षद स्पष्ट बहुमत बीजेपी का ही रहा है। तो आगे भी, क्योंकि अब तो जब 95 में ये जो गाजियाबाद नगर निगम बना था, उस टाइम तो यहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब थी, लेकिन आज गाजियाबाद में आप किसी भी जगह चले जाएँ, इतनी टॉप स्थिति है सड़कों की, नाली पानी, मतलब कहीं भी सीवर की, लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी जो ये स्वच्छता अभियान चल रहा था, तो पूरे देश में हमारे, मतलब यूपी में तो नंबर वन था, दूसरे तीसरे नंबर पर हमारा गाजियाबाद आया था स्वच्छ। तो गाजियाबाद में विकास की लहर दौड़ रही है, ये सब बीजेपी की देन है, हमारे महापौर जी की, सांसद जी, विधायक, टोटल मतलब यहाँ से अभी तक बीजेपी जीतती है कोई किसी तरह। सर, एक बड़ी समस्या जैसे ये आप लोगों के क्षेत्र में भी होती होगी और नियर अबाउट दिल्ली NCR के हर जगहों पर ये समस्या बनी रहती है कि जरा सा बारिश हो जाने के बाद ओवरफ्लो की समस्या होती है, तो इसके लिए आप लोगों ने किस तरह से काम किया है? ये तो ये है कि मान लो अभी हमें भूख लग रही है, मान लो दो हमें खाना है, दो रोटी खा लेंगे हम चार, तो कुछ तो मतलब थोड़ा गड़बड़ तो होगा ही मामला। जब बारिश होती है तो घंटा दो घंटा बहुत तेज़ पानी आता है, पानी एक साथ इतनी हो जाती है कि नाली, अब मान लो कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ जैसे कर्मचारी जो होते हैं जो नज़र में या वैसे नहीं पड़ती, जैसे सफाई से या उससे धीरे धीरे कुछ जाम सी भी हो जाती है नाली, ध्यान नहीं जा पाता कुछ, तो जब बारिश होती है तो एक साथ वो पानी निकल के सड़क पर आ जाता है। लेकिन वो भी ये नहीं कि दिल्ली हो, दिल्ली में भी घंटा दो घंटा में सारा पानी निकल जाता है। बाई चांस जब बारिश एक साथ, एक कैपेसिटी होती है ना, मान लो कि हम नाली में भी एक अपनी कैपेसिटी है पानी चलने की, या सीवर में भी, अब जब एक साथ अधाधुंध पानी आ जाएगा तो कहाँ जा पाएगा। लेकिन उससे कोई ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती, घंटा डेढ़ घंटा में सारा पानी चला जाता है। सर, GDA का जो मानक है उसके हिसाब से जो GDA के फ्लैट्स हैं, 3 मंजिला फ्लैट्स बनते हैं, कहीं कहीं पर 4 मंजिला फ्लैट्स बन जाते हैं, और वो सब आपके वोट बैंक होते हैं, वो सब आपको वोट करते हैं, आपके उनके ही वोटों से आप चयनित होते हैं, 4 मंजिला फ्लैट बन जाते हैं, कहीं कहीं लोग जो है अतिक्रमण करके बाउंड्री बना लेते हैं। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो पहली चीज़ तो वो आपके वोट बैंक हैं, आप उनको जो है बहुत दूसरे हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे उन स्थितियों से आप निपटते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन ज़रूरत से ज़्यादा ना हो और उसके बाद अतिक्रमण ना हो, इन चीज़ों को लेकर लोगों को आप कैसे अवेयर करते हैं? जैसे जो बिल्डर है, बिल्डिंग बनाता है, वो GDA से नक्शा पास करा के जो GDA के मानक होते हैं उनके अनुसार ही बनाता है। थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है उसमें भी, फेरबदल वैसे किसी चीज़ से समझौता नहीं है। मान लो सीवर की है, सीवर के लिए लाइन भी डाल के देता है, वैसे भी देता है, सीवर का कनेक्शन लेगा तो नगर निगम से अनुमति भी लेगा, और थोड़ा बहुत मानक के खिलाफ वो ऐसे कर देते हैं कि जैसे मान लो कि GDA ने एक फ्लोर पे एक किचन पास करती है, बिल्डर लोग क्या करते हैं कि एक फ्लोर पे दो दो तीन तीन फ्लैट बना देते हैं, लेकिन वो सब मतलब एक एडजस्टमेंट हो जाता है जैसे जो भी है, उसमें कोई किसी तरह की ऐसी परेशानी नहीं होती, क्योंकि बिल्डिंग के लिए सीवर भी पड़ा हुआ है, पानी कनेक्शन वगैरह वो सब चीज़ देता है, तो जो पार्टी आती है उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। NBC हिंदी को सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरदार सिंह भाटी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जनता ने इनको भरोसे पर लिया है, कई बार से जनता ने इनको जनादेश दिया है, और आगे आने वाले समय में फिर से अगर पार्टी इनको जिम्मेदारी देती है तो लोगों का भरोसा पूरी तरह से इनके साथ रहेगा, क्योंकि लगातार लोगों के सुख दुख में बराबर इनकी लगातार लोगों के सुख दुख में बराबर बने रहे हैं, जिसके वजह से लोगों का भरोसा लगातार इन पर बना हुआ है।
अगले हफ्ते हम आपको फिर एक इसी कड़ी में एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो देश, क्षेत्र और समाज के लिए समर्पित होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।